हाय दोस्तों आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है तो दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं फार्मास्यूटिक्स की तो फार्मास्यूटिक्स के चौथे नंबर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की जो दोस्तों डी फार्मा फर्स्ट ईयर एग्जिट एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की वीडियो तो दोस्तों बिना देरी किए जल्दी से इस वीडियो को देख लेते हैं तो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि हुई वन इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ मेमब्रेन फिल्टर तो इसमें से कौन है जो मेम्ब्रेन फिल्टर का उदाहरण नहीं है टाइल नायलोन है टेफलोन है सिल्वर है लेकिन एसवेस्टॉस उसका उदाहरण नहीं है किसका मेम्ब्रेन फिल्टर का तो ऑप्शन डी राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फ्री ड्राइंग इज आल्सो नोन एज फ्रिज ड्राइंग को और किस नाम से जाना जाता है तो फ्रिज ड्राइंग को लाइफिलिशिएसन के नाम से भी जाना जाता है यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थ्री विच मेथड इज यूज फॉर एक्सट्रैक्टिंग हार्ड एंड टफ ड्रग्स जो बहुत ही हार्ड ड्रग्स होती हैं और टफ होती हैं उन्हें एक्स्ट्रैक्ट करने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है यानी कौन से मेथड का यूज किया जाता है तो वो किया जाता है परकुलेशन मेथड यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर लिक्विड एक्स्ट्रैक्ट ऑफ लिक्वर इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच मेथड जो लिक्विड हम एक्सट्रैक्ट करते हैं लिक्वर आइस से इसका एग्जाम्पल है इसमें हुइच मेथड किस मेथड से उसे एक्सट्रैक्ट करते हैं तो वो है रिजर्व परकुलेशन यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर पाँच आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं टिंक्चर ऑफ बेलाडोना इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच एक्सट्रैक्शन मेथड तो दोस्तों हम बेलाडोना से टिंक्चर को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो कौन सा मेथड है किस मेथड से उसे मतलब टिंचर को हम बेलाडोना से निकालते हैं तो वो है सिंपल परकुलेशन मेथड यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर नेक्स्ट देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर सिक्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ब्लैंक दिया गया है डिस्क इज यूज फॉर बैक्टीरियल फिल्ट्रेशन तो वो दोस्तों मतलब बैक्टीरियल फिल्ट्रेशन के लिए यूज की जाती है डिस्क तो कौन सा कॉम्बिनेशन है नंबर फाइव एंड नंबर थ्री का यानी कि ऑप्शन बी राइट right आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवन द सस्पेंशन ऑफ सॉलिड और लिक्विड टू बी फिल्टर्ड इज नॉन एज तो दोस्तों से क्या कहा जाता है तो उसे बोलते हैं सिलरी यानी कीचड़नुमा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है साइक्लोन सेपरेटर बर्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ जो साइक्लोन सेपरेटर है वो कौन से प्रिंसिपल यानी कौन से सिद्धांत पर काम करता है तो वो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर काम करता है यही उसका प्रिंसिपल है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नाइन द ऑफ एक्सट्रैक्शन प्रोसेस डज नॉट डिपेंड ऑन फैक्टर हुआ किस फैक्टर पर डिपेंड नहीं रहती वो है सेल्यूबिलिटी ऑफ ड्रग ड्रग की बिलियता यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर क्वेश्चन नंबर टेन फिल्टर एड्स आर यूज इन क्लैरिफिकेशन ऑफ ब्लैंक दिया गया है कंटेनिंग सिलमी कंपेरिजल कंप्रेसिबल मटेरियल्स तो इसमें आ जाएगा लिक्विड क्या होता है लिक्विड कंटेनिंग सिलमी कंप्रेसिबल मटेरियल्स होता है तो ऑप्शन ए राइट आंसर तो दोस्तों इसमें हमने देखे फार्मास्यूटिक्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें थैंक यू दोस्तों